फाइनली चीज़ रेडी हो गया है। इसका प्रोसेस हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं। ये देखिए सब्जियां हैं, बच्चे हमेशा जिद करते हैं तो हाइजीनिक होती है घर की चीज़ें बनी हुई। ये नीचे से एकदम रोस्ट हो गया है ये देखिए, और जो अंदर में हमने चीज़ डाले हैं ऊपर में सारे चीज़ डाले हैं वो सारे मेल्ट हो गए हैं। तो देखिए आगे का प्रोसेस कैसे बना है। सब्सक्राइब तो बनता है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कि ये वीडियो कैसा लगा। आज हम चीज सैंडविच पिज्जा बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए ये पैन लेंगे। ये पैन गर्म हो गया है, थोड़ी सी ऑयल डाल दे देते हैं या बटर भी डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार यूज कर सकते हैं। ये सब्जियां हैं, ये कॉर्न है, शिमला मिर्च, प्याज, इन सबको डाल देंगे। इसे थोड़ी देर हम पकाते हैं, थोड़ी सी नमक इसमें डाल देते हैं। इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, सॉफ्टनेस के लिए थोड़ी सी हम पका देते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ी सी डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर, ये हमारा रोस्ट हो गया है, अब फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये ब्रेड लिया हुआ है, अब इसे हम ये कर देते हैं, सॉस लगा देते हैं। टोमेटो सॉस है, सबसे पहले अच्छी तरह से इसमें बहुत सारे टोमेटो सॉस फैला देंगे। इस मिक्सचर को फैला देते हैं। बस इसे ढक देते हैं, ऐसे थोड़ा सा सॉफ्टली प्रेस कर देंगे। अब इस पे हम बहुत सारा चीज फैला देते हैं ऊपर से। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। ये पॉट ले लिया है हमने, गैस ऑन कर दिए हैं, ये गर्म हो रहा है, थोड़ा सा गैस को इसको गर्म कर देंगे। और ये बटर हम इसमें फैला देते हैं। जो बनाया है सैंडविच इसे अच्छी तरह से रख देंगे और इसके ऊपर सारा ग्रेटेड चीज डाल देंगे, इस तरह से फैला देंगे। ये सॉस फैला देते हैं। इस तरह से हमने सारे फैला दिए हैं सॉस को, ऊपर से थोड़े से इस मिक्सचर को डाल दिए हैं। इसे हम ढक देंगे। हमारा सैंडविच पिज्जा रेडी हो गया है, ये देखिए दोनों इस साइड से एकदम चीज जो है मेल्ट हो गया है और इस साइड से एकदम ये देखिए रोस्ट हो गया है बटर के साथ।